नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चमत्कारी पुष्प के बारे में लेकर आया हूं जिसके शायद फायदे जान करके आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा वैसे इस धरती पर जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में फूल हैं, लेकिन उन फूलों का, उन पेड़ पौधों का कभी हमने जाने का कोशिश ही नहीं किया। अगर उन फूलों के महत्व को समझ लेते तो हमारे घर पर बैठे बैठे सारे के सारे काम हो जाते हैं, चाहे वह बीमारी संबंधी हो या किसी पैसे संबंधी हो, कोई भी हो। आयुर्वेदिक उपाय, तांत्रिक उपाय, हर तरीके से इन पेड़ पौधों में या पुष्पों में, इनके जड़ों में छुपा ही होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी पेड़ पौधे का उपयोग नहीं बताऊंगा, ना तो जड़ का उपयोग बताऊंगा, बल्कि उनके फूलों का मैं उपयोग बताऊंगा। इसका फूल जो इतना चमत्कारी होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह जो है धतूरे का पुष्प है। वैसे धतूरे तो चार प्रकार के होते हैं, सफ़ेद धतूरा, पीला धतूरा, काला धतूरा, नीला धतूरा। वैसे काला और नीला धतूरा लगभग तो सेम ही कलर के होते हैं, लेकिन ये जो पीला धतूरा होता बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं, लेकिन सफ़ेद धतूरा और काला धतूरा आपको बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे ताकि इन चार प्रकार के जो धतूरे होते कहां पर किस तरीके से उपाय किया जाता है, ये काला धतूरा का उपाय करके आप अपने जीवन में जो चल रहे तमाम समस्याएं हैं, जीवन से तंग आ चुके हैं, जीवन में पैसों की तंगी है, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा, आपके जीवन में ग्रह दोष लग गए, भाग्य साथ नहीं दे रहा, संतान सुख नहीं मिल पा रहे, बच्चे जो बात नहीं मानते हैं, पत्नी पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, ऐसी कुछ समस्याएँ लेकर के अगर आपके साथ कुछ संशय बना रहता है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके ही लिए है। और आज की इस वीडियो के यदि अंत तक बने रहते तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अवश्य यह वीडियो आपके जीवन में चमत्कार करेगा ही करेगा। जो आज तक आप जो समस्याओं से जूझ रहे थे और इस फूल का, इस पुष्प का उपाय करने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव उसी क्षण से होना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग ये जो धतूरा है बहुत ही आसानी से जो हम लोगों के गांव, एरिया, शहर में मिल जाते हैं, इसका हमने कभी प्रयोग करने का इस्तेमाल नहीं किया। तो यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इस जो काला धतूरा है, पीला धतूरा है, सफ़ेद धतूरा के जो पुष्प होते हैं, इसकी किस तरीके से धार्मिक उपाय, तांत्रिक उपाय किए जाते हैं, जैसा कि वेद शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन आजकल का जो समय, इस सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चीज़ की जानकारी लेना इतनी सरल है कि आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ता। और ये काला धतूरा का जो उपाय जो है हमारे साधु महात्मा ही लोग करते थे, तांत्रिक उपाय, लेकिन इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसके चमत्कारी उपाय, तांत्रिक उपाय को भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कौन सा धतूरा किस देवी देवताओं को अर्पित करना है और किसके लिए काम करना है। सबसे पहला नंबर की यदि बात किया जाए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। यदि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता तो आपके जीवन में जो चल रही दरिद्रता है, पैसों की तंगी है, धन संबंधी दिक्कतें हैं, आर्थिक तंगी है, सारे के सारे समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। मतलब आर्थिक समस्या कोई भी हो, यदि आपके घर पर, आपके साथ में माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, माता लक्ष्मी का आगमन यदि आपके घर पर हो जाता है तो आपके जो जीवन में चल रही है पैसों संबंधी समस्याएं हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं, बिल्कुल ही वह खत्म हो जाती है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें, सफ़ेद धतूरा के पुष्प का आप उपयोग करें। सफ़ेद धतूरा को, आपको पुष्प को शुक्रवार के दिन यदि आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी विशेष तरीके की प्रसन्न होती है और आपके जीवन के बिल्कुल जो चल रही दुख परेशानी है, पैसों संबंधी जो कुछ भी दिक्कतें होती है वह माता लक्ष्मी माता बिल्कुल ही खत्म कर देती है। करना क्या आपको, शुक्रवार के दिन सुबह जो सबसे पहले नहा धोकर के फ्रेश होकर के ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही अगर इस काम को करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। लेकिन अगर आप बाद में भी करते हैं थोड़े से लेट तो भी कहें, लेकिन करना जरूर है। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि आप करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या करना है, सफ़ेद धतूरा का एक पुष्प लाना है, ज़्यादा नहीं, मात्र एक पुष्प बस लाना है। और आपके घर में जहाँ पर भी माता लक्ष्मी का चलचित्र हो, यदि पीतल की मूर्ति होती तो बड़ी बेस्ट होता है, यदि कहीं पर जो माता लक्ष्मी का जो है मूर्ति बैठा है, कहीं मंदिर है, तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को
प्रसन्न करने के लिए आप क्या करिए, सफ़ेद धतूरा का एक पुष्प लाना है और आपको ले जाकर के माता लक्ष्मी के मंदिर में या माता लक्ष्मी के चित्र के सामने वहाँ पर आपको अर्पित कर देना। साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक भी जलाना है। इस काम को आपको पूरे के पूरे यदि 7 शुक्रवार तक कर देते हैं तो 7 शुक्रवार करने के बाद ही आपके जो जीवन में जो चल रही है समस्याएं उससे छुटकारा मिलने की तुरंत जो अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। 7 शुक्रवार करते 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 आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में माता लक्ष्मी का आगमन अब हमारे जीवन में हो गया है और पैसों संबंधी जो दिक्कतें थी समस्याएं थी अब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर का अगर फायदे की बात किया जाए, अगर आपका जो है नौकरी संबंधी कोई समस्याएं चल रही हो, व्यवसाय संबंधी समस्याएं चल रही हो, नौकरी जो आप लंबे दिनों से कोशिश कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं लेकिन आपका भाग्य जो साथ नहीं देता है, ठीक है, आपका मान सम्मान दिन पर दिन जो कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मंगल दोष आपके जीवन पर पड़ गया है। मंगल दोष होने की वजह से जो आपका सुख समृद्धि रहती है, सुख शांति बिल्कुल ही छूट जाती है और घर परिवार में लड़ाई झगड़ा की संभावनाएं हो जाती, पति पत्नी में तलाकनामा तक स्थिति हो जाती, मतलब प्रेम का कोई चीज़ ही नहीं रह जाता। साथ ही साथ आपको हर प्रकार की समस्याओं का झेलना पड़ता है। अब मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए इसको क्या करना होगा, हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा, मतलब हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद यदि आपको मिल जाता है, उनका साथ यदि आपके साथ रहता है तो अवश्य आपके जीवन में मंगल दोष नहीं लग सकते हैं। अब हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन कब को क्या करना है, मंगलवार के दिन पीला पुष्प, यदि पीला धतूरा मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप पीला पुष्प कनेर का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, ऐसे भी कुछ फूल आते हैं, आप पीला पुष्प लेकर के आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाना है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन ही इस काम को करना है। ओके, मंदिर में जाकर के उस पीले पुष्प को आपको हनुमान जी के चरणों में भेंट करना है, समर्पित करना है। यदि वहाँ पर हनुमान जी को कुछ लड्डू का भोग भी लगा देते तो और सोने में सुहागा काम करता है। साथ ही साथ जो आप इन सब काम को करने के बाद वहाँ पर जो आपको कपूर जलाना है और उस कपूर में जो है अपनी समस्याओं को बोलते हुए लवंग भी डाल देना है। यदि इस काम को कर देते हैं तो हनुमान जी के विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, और उस पुष्प को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके वहाँ पर बैठ करके आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का यदि आप कम से कम 108 बार जप भी कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। इस काम को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं और आपके जीवन में यदि मंगल दोष लगा हुआ जिसकी वजह से आपके जो जीवन की सुख शांति बिल्कुल छीड़ हो गई है तो अब आपको घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपने इस उपाय को किया और लगातार जो 3 मंगलवार इस काम को यदि करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपके जो जीवन में मंगल दोष समाप्त हो जाएंगे और हनुमान जी का साथ जो मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा नंबर का जो ये उपाय है, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यदि भगवान शनि की कृपा पड़ जाती है तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक जो बिगड़े हुए काम रहते हैं वो अभी अच्छे होने लगते हैं। यदि आप कोई काम करते गलत फैसला लेते तो भी वह गलत फैसला अच्छा बन जाता है, ये शनि देव का कमाल होता है। यदि शनि देव की कृपा यदि आपके साथ मेहरबान है तो हमेशा जो है 24 घंटा आपका वृद्धि होता ही होता रहेगा, उन्नति भी होता ही होता रहेगा। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन ही कुछ उपाय किया जाता है और शनिवार के दिन आपको काला धतूरा वाले यह उपाय जो बहुत ही अच्छा खासा टिकाऊ होता है। यदि आपका कोई शत्रु होता है, दुश्मन है, दोस्त दुश्मन बन गया है, बीमारियां आपके घर में है तो ऐसी स्थिति से मुक्ति पाने के लिए आपको यह उपाय करिएगा। शनि का 7:30 हो, जब शनि का ढैया लग जाता है तो आपके जीवन में जो चल रही हैं दिक्कतें हैं समस्याएं और ही अधिक बढ़ जाती हैं। इस कारण से यदि आप इस उपाय को लगातार जो है 3 शनिवार या 7 शनिवार तक कर देते हैं तो भगवान शनि की विशेष कृपाएँ आपके जीवन पर पड़ती है और शनि दोस्तों बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है लेकिन शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो जो शनि दोष का जो प्रभाव है धीरे धीरे क्या होता है कम होना शुरू हो जाता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको जो लगातार 3 शनिवार या 7 शनिवार आपको काला धतूरा का पुष्प लाना है और उस पुष्प को ला करके क्या करना है, आपको भगवान हनुमान जी महाराज या शनिदेव के चरणों में क्या करना है, आपको समर्पित करना है शनिवार के दिन। यदि आप शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज या शनिदेव के चरणों में
इस जो है काला धतूरा के पुष्प को यदि आप समर्पित करते हैं, विशेष तरीके से इस पुष्प को शनि के ही चरणों में यदि समर्पित करते हैं, तो भगवान शनि की विशेष कृपा का पात्र बनते हैं। साथ ही साथ शनि देव के मूर्ति के सामने आपको वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का यदि पाठ भी करते हैं तो शनि भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपके जो ऊपर चल रही ये परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, जो काम नहीं बन रहे थे अब वह काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव अब आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं और आपका कुछ भी अहित नहीं होने देंगे। अगला नंबर का जो इस पुष्प की अगर बात किया जाए तो नीला धतूरा। अब रह गई बात नीला धतूरा किस देवी देवता को पसंद होता है। नीला धतूरा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ अर्थात भगवान शिव को प्रसन्न है, और यदि आप इसको सही तरीके से विधिवत यदि सच्चे दिल से भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आपको क्या करना है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, इनके दिन अर्थात सोमवार के दिन इस उपाय को करें। तो सोमवार के दिन आपको एक नीला पुष्प लाना है, एक नीला पुष्प ला करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए घर से ही जाना है और भगवान शिव के मंदिर में जाना है जहाँ पर भगवान शिव का लिंग होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो काला धतूरा नीला धतूरा का जो पुष्प है उस पुष्प को भगवान शिव के लिंग पर जो अर्पित कर देना है और आपको जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विनती करना कि हे भोले बाबा, हे भगवान, अब तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुआ उन सब गलतियों का मैं जो है प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, कृपया आप मुझे अपने शरण में लेकर के सही मार्गदर्शन करो ताकि हमारे जो जीवन में चले समस्याएं हैं दिक्कतें उन सभी समस्याओं दिक्कतों से मुक्त हो। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, आपको वहीं पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जो है जाप जो कम से कम 108 बार करना चाहिए। यदि जो इन उपायों को करते हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैंने चार विशेष तरीके से उपाय बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही कारगर होते हैं, इस तरीके से आज का यह वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा हेल्पफुल रहेगा और आपके जीवन में तरक्की करने के लिए इस प्रकार का जानकारी बहुत ही ज़रूरी होता है। भगवान का आशीर्वाद अर्थात दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है, और ये जो पुष्प होते हैं इसका दवा, क्योंकि इसके खुद कुछ अपने गुण भी तो होते हैं, अपने गुण की वजह से तो जाने ही जाते हैं। साथ ही साथ इन पेड़ पौधे के इतने ज़बरदस्त जो है तांत्रिक उपाय होते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, और इन तांत्रिक उपायों के माध्यम से हम जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, हम अपने जीवन में जो जो चल रही समस्याएं हैं घर परिवार के सभी लोगों को मैं स्वस्थ रख सकता हूं, मुक्ति दे सकता हूं, और भी सारे ढेर फायदे होते हैं, क्योंकि जहाँ पर जो भगवान मार्गदर्शन करने वाले मिल जाते हैं वहाँ पर जो कुछ भी अब कमी नहीं रहने वाला होता, उनके जीवन में जो भगवान शिव खुद आकर के मार्गदर्शन करते हैं। जिस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई ये बहुत ही जानकारी फुल है, ज्ञानवर्धक बात है, इसलिए कृपया करके आप इसे अपने ही तक सीमित नहीं रखें बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें।